हेलो दोस्तों, मगध ज्ञान केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे नंबर, इंग्लिश चैप्टर का, इंग्लिश सब्जेक्ट का एक चैप्टर है नंबर, और हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर का मतलब होता है वचन। अब एक्चुअली नंबर कौन सा है, क्या कहते हैं नंबर को? विच शोज काउंटिंग, जो गिनती बताए। काउंटिंग का मतलब हो गया 1 2 3 4 5। तो जो काउंटिंग बताता है उसे हम नंबर कहते हैं, विच शोज काउंटिंग। अब देखना है कि नंबर क्या होता है मैथ्स में आपको, कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 जो भी है। लेकिन यहां दो तरह का नंबर होता है, एक नंबर जो सिंगल हो, सिंगल में है उसको एक नंबर बोलेंगे, और एक जो है मेनी या सेवरल हो, मेनी या सेवरल हो। यानी सिंगल का मतलब सिंगुलर, और जो एक से ज्यादा हो उसे हम बोलेंगे प्लूरल। आगे इसमें ध्यान देना है कि किसी भी नंबर को, किसी भी वर्ड को हम नंबर में कैसे चेंज करेंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो सिंगुलर से प्लूरल के लिए आपके पास दो पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, एस और ईएस। कि एस और ईएस लगा करके हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब हम किसी नाउन के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, और जब हम किसी वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। कैसे? कि यदि हम मैंगो में ईएस लगाए, मैंगोज, तो ये आपका प्लूरल हो गया। जबकि गो के साथ हम गोज लगाते हैं तो ये सिंगुलर हो जाता है। तो जब हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो सिंगुलर हो जाता है, और नाउन में जब हम एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।